भाई साहब हसन भाई के हमारे साथ कुछ आखिरी लम्हात हैं। तोड़ शीशा बंद है, छड़ खरीद ले पैसे में शीशा बंद है। सही नूर ले गया माशाल्लाह। चेलम आ गया जी, चेलम। आज मीटिंग क्या है? बरात। बारिश का मौसम है सख्त। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैर से ठीक ठाक बेहतरीन मजेदार। भाई सुबह सवेरे का टाइम है, लिटरली सुबह सवेरे 5:30 बजे आपका वेट है और अभी निकलते निकलते जो है तकरीबन 6 बजने वाले हैं। मौसम बहुत सुहाना है, ठंड लगने लगी। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। अब सीन ऐसे, अपने एक फ्रेंड की शादी है, हसन साहब की शादी है, हसन साहब का होम टाउन है जी झेलम। झेलम जाना आज माशाल्लाह भाई की बरात है। मेहंदी पे तो हमने जैसे जैसे करके उसको टाल लिया था, क्या आगे पीछे जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेहंदी पे तो जैसे जैसे करके बेचारे टाल दिया था, लेकिन ये की बरात होली में पहुंचाना बहुत जरूरी है। शिवाज साहब की थी लाहौर, लाहौर भी एक फ्रेंड के भाई की शादी थी तो उन्होंने वो अटेंड किए। लाहौर से लाहौर पहुंच चुके हैं तो बस उनको पहले पिक करना है, उनको उनके घर ड्रॉप करना है और फिर इंशाल्लाह निकलेंगे जरा झेलम की तरफ। जो भी मामला रहेंगे आपको फिर से प्रॉपरली होश में लगा करेंगे। होश में आ जा सर। सलामकुम सलामकुम, घंटे में आ दो। घंटे नहीं, घंटे का ओके सर, सी यू इन अ बिट। ओके सर। ठंडी ठार हवाएं, फ्रेश हो, फ्रेश। आप अपने फ्रेंड शिव साहब को उनके घर ड्रॉप कर दिए और बोल दिए घंटे डेढ़ तक रेस्ट रूस मार ले, फिर आके पिक करते हैं। तो फिर लोग निकलते हैं हम घर को। अब यहाँ भूख लग रही है, हल्की हल्की नाश्ते की तलब हो रही है, दिल तो कर रहा है नान चने खाएं। देखते हैं रास्ते में क्या नसीब होता है, कुछ खाते जाते हैं। उठ तो गए, नींद तो आनी कोई नहीं। A few inches later. Guys, Assalamualaikum again. Hi, 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 hi. What a weather! What a lovely, lovely weather. भाई साहब सुहाना मौसम हुआ है और घर से निकला हूँ, शराब में चढ़ा ली क्योंकि आज हसन की बरात है, जैसे बता चुका हूँ। बस जा रहा हूँ कि तो जा रहा हूँ। भाई साहब सुबह जिस भाई को पिक करके ड्रॉप किया था उसके घर पे शिरोज साहब को, उनको पिक करने जा रहे हैं। अपनी इसी साबुनदानी में जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और रोड स्लिप पे अभी रेडी ना जाएंगे, शिरोज को पिक करके फिर इंशाल्लाह ऑन गो होंगे इंशाल्लाह झेलम की तरफ टूवर्ड्स असद बारात। कोशिश करेंगे कि सहराबंदी में उसको ज्वाइन कर ले, वरना बैंक में पहुंचना पड़ेगा। भाई साहब ये कर सकते हैं रास्ते में कोई मच्छर मच्छर करने के, नाश्ता भी करना है, नाश्ता भी करने के सुबह कुछ नहीं खाया होता है। बस सुहाने मौसम के साथ जाते हैं, अल्लाह खैर से, अल्लाह तवक्कल, इंशाल्लाह ताला खैर से पहुंच गया। आज ऐसे बारिश भी है। और भाई साहब एक बात और, कहते हैं जिसकी बरात वाले दिन बारिश हो ना उसका मतलब ये होता है जो धूला होता है ना, धूला लाड़ा, वो देखे चढ़ता है। ये मिसाल बनी है, मुहावरा बना हुआ है, जो भी बना हुआ है। तो भाई साहब चेक करें, सुभान अल्लाह, चेक वाह हसीन मंजर। और तकिया थे, तकिया छह लोगों फुल निजाम किया हुआ है। दस बजे अपने पास एक ही धरती थी, लेकिन क्योंकि बरात का दिन है दस बजे तो उस तरह हमने उड़ानी थी, तो बड़े नोटी लगाएंगे भाई को। बस जनाब अपने फ्रेंड शिरोज की तरफ पहुंचे, उसको चुकने लगे हूँ मैं। माजरत के साथ मैकडॉनल्ड्स लेना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं थी, ये मैकडॉनल्ड्स का ही ब्रेकफास्ट की ऑप्शन थी, क्योंकि हम लोग रास्ते में कहीं दाल चले नहीं खाने लग सकते। मेरे साथ एक स्पॉटर है यूदियो का, थोड़ी झटका मारा है यार,
बाद और पियो इजरायली ब्रेड की जूस गिरा कमीज पे प्रोग्राम तो उड़ गया। बस जनाब आपसे मुलाकात करेंगे रास्ते में कहीं पे नाश्ता करते हैं। इंसान अगर गाड़ी चला रहे हैं ब्लॉग बनाए बगैर तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। रास्ते में चलते जाते जनाब नाश्ता करेंगे और फिर जेल में पहुंचने की करेंगे जितना जल्दी हो सके। बाकी आपको रास्ते के नजारे रास्ते में दिखाएंगे फिलहाल जैसे इंसान एवरेज चेक करो जनाब। अभी तो हाईवे भी हाईवे स्टार्ट नहीं, अपनी 20 की एवरेज निकाली है, इंशाल्लाह 34-35 की एवरेज पर जाएंगे। अबे साले भाई साहब ये स्टैंडिंग एट पेट्रोल पंप्स फ्यूल अप्स कराएंगे। आयोडीन भी है ना, 1500 का आयोडीन डाल दे, बाकी सादा फुल जोर में। जनाब लेट मी शो यू मैजिक। ओए होए 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 फुल से ऊपर चला गया। Few moments later. गाइस अभी आपका भाई सर आया, थोड़े सा मशीन फिरवाने सैलून है। गाइस जा रहे अपने संगी के घर, तो खाली जा नहीं सकते, मिठाई शिठाई ले रहे। भाई साहब इधर मिठाई नहीं थी, तो बेकरी है लेकिन मिठाई नहीं थी इनके पास, केक शेक पड़े। तो अच्छा कहानियां कम दूसरा निकल आ गए। कुछ पूछा मैंने कुछ चंडे मार रहे हो नहीं सर, तो मार नहीं सकता। अच्छा भाई तो सीन ये, भाई ने बोला शानदार चौक चले जाए, वहां से आपको मिल जाएगी। और शानदार चौक जो है ना वो शानदार मोबाइल वालों का वीआईपी वीआईपी इधर एक और बेकरी मिली है चेक के झकास। अब अल्लाह के यहाँ से मिठाई मिल जाए, पहले से टेस्ट करेंगे फिर लेंगे। भाई साहब इधर तो पहुंच गए, बस बारिश थोड़ी तेज हो रही है, बारिश हल्की होती है, जाते हैं। हमारे इंतजार था, लारे ने गाड़ी कराई है। मैंने लारे को स्कीम बताई थी इस तरह फूल बूटे लगाने रात तक पहुंच गए। जनाब मैं और शेरा जो है बाहर आ गए हैं, अपने बॉय को सीट तक उसकी तख्त तक बिठा के जहाँ से उसने दुल्हन लेके आनी है। और जनाब हम लोग आए हैं अपनी रानी में, रानी हमारी वो खड़ी जहाँ ये शेरा रानी वाली कहानी जेलम में आके चल रही है क्योंकि यहाँ से निकली है। भाई साहब कैसा लग रहा हूँ मैं बॉस, शेरा कैसे लग रहा हूँ बॉस का मेरा है भी लेवल कोई लेवल नहीं बॉस होगा जनाब। बस अंदर से होके आ गए, जरा मखलूक बैठ रही थी, हम लोग खिसक के बाहर आ गए तो रोटी खुलेगी फिर जाएंगे फिर कुछ खाएंगे। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से तो अपना प्यार यार माशाल्लाह आप लोगों को पता है शानदार वे पे स्टूडेंट से प्यार होता है। सर जी इधर थोड़ा सा छूट छूट हो जाए तो सीरात ले दूं बेटा। टोयोटा की रोज रॉयस चेक दिस आउट। है भाई साहब रोटी छोटी खा ली है, रोटी माशाल्लाह मजेदार थी, स्टीम चिकन आया है उसका मजा आया। और बाकी खैर मीठे छीठे में लेकिन हमारा मूड नहीं था मीठा खाने का क्योंकि मीठे की तो क्या हो रही है आज, मीठे की क्या बारात, आज हमारे मीठे की बारात है, हमने मीठा नहीं खाना, समझ रहे
तो बस ये मामला थे, रोटी पानी हो गए, अब हसन साहब रुखसती ले जाएं तो उसके बाद हम भी फिर घर घर को जाएंगे, तो उसके इंतजार है। भाई जान आपको एक और सूरत हाल बताएं, दूल्हे ने जो गाड़ी तैयार कराई थी वो सेविक कराई है और क्रूजर में आया, तो उसकी वजह कुछ प्रोटोकॉल के रीजन है, तो गाड़ी जो है वो दूसरी तैयार की है, यार ये टिश्यू का गंदा डेंड्रफ नहीं, ठीक है, गाड़ी उसने जो है दूसरी तैयार की ताकि लोगों को साथ दे सके, क्योंकि भाई साहब थ्रेड है भाई की, जरा प्रोटोकॉल है, कुछ मसले मसाइल हैं, जेलम के बटे लोग हैं, दूल्हे को उठाया, हमने कहा इधर इसको लेके नसेंगे, इसको लेके इस्लामाबाद चलते सर, चले ना हमारे साथ जरा इस्लामाबाद, शादी किसके साथ हो गई, क्या प्लान है शादी का? All my friends are toxic, all ambition. दोस्त से बात आऊंगा, ये बात अच्छा लग रहा है भाई साहब, हसन भाई के हमारे साथ कुछ आखिरी लम्हात हैं, हसन आखिरी डाटा, अब रास्ता रुक गई, चल रही इधर गाइस, वी आर लिविंग गाइस, गाइस जनाब की हाल है, तो गाइस सीन्स ऐसे बने हैं यार, ये मेरे 15 प्रो मैक्स में कॉल आ रही है, अपने फ्रेंड हसन साहब को जो मुलाकात करें, सलाम दुआ करें, उनको बोलिए भाई हम लोग यहाँ से तितर बितर हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के जो सीन्स हैं वो इस तरह ही हैं, भाभी आ गई हैं और हसन साहब ने अब हमें किधर ही मुंह लगाना है, तो जॉ का पार्ट ये था कि अब उनकी सारी रस्में होंगी, निकाह भाई का पहले ही हुआ हुआ है, तो बस इनका रुखसती का मेन फंक्शन है, रुखसती होगी घर जाएंगे, घर जाएंगे आतिशबाजी वगैरह होगी, फिर घर की अपनी जो रस्में रस्म होती हैं वो होंगी, तो हमने कहा यार फैमिली में हमने कुछ ज़रा इजी फीजी रहते हैं, यहाँ से यूटर्न मारेंगे घर को, घर निकलेंगे और कल इंशाल्लाह इसके वली में पे आएंगे, तो बस घर तक आप मेरे साथ चलें, ब्लॉग को एंड करेंगे और फिर कल का ब्लॉग कल ही बनाएंगे, तो बस निकलने लिए करते हैं फिलहाल, भाई साहब निकलते हैं, मौसम बहुत सुहाना है और ये बस जो अपना वेस्ट कोट है ना ये हमको उतारने। One eternity later. भाई साहब enough is enough now. हम जरा पैसेंजर सीट पे बैठे हैं आराम से, सर्विस चलाएं गाड़ी, मजा ले रहे हैं, सुकून से बैठे हैं, जी डी रोड में जितने खड्डे हैं और ये गाड़ी माशाल्लाह क्या खड्डे बताती है, नाला जी स्कूल नाल बैठा था, इंस्टाग्राम स्टोरिया पासा, आप भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि भाई की तस्वीर आ जाए, गाड़ी से भाई जान वेरी वेरी नियर टू इस्लामाबाद, सर जी इज ड्राइविंग, जब सर जी चला रहे हो ना तो रास्ता थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो जाती है वहां पे सर, दिमाग हर टाइम गर्म रहता है इसका, इसका ब्याह होगा ना तभी ठीक है, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, बस अब जा रहे हैं इस्लामाबाद और जा रहे घर, दो शर्ट्स निकाली है, ट्राई करेंगे इनको शलवार के ऊपर, ट्राई करेंगे, हद होती है अंदाजा लगे, बस ये ट्राई शुरू कर लें फिर में से डिसाइड करते हैं, अच्छी लग रही जीन्स भी परचेज कर लेंगे, अब ये जीन्स पहन के ना चेक करते हैं कि शर्ट कौन सी बेहतर लगती है, शॉपिंग करके फिर निकल गए थे, शिवा साहब को ड्रॉप कर दिए घर, आप अपने घर की जाने जा रहे हैं, घर से फोन पे फोन आ रहा है, कितना पहुंच गया, बस आज पहली मेरी रोटी हजम हुई, गाइस घर पहुंच गए, गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल,
जनाब सीन ऐसे हैं, आपके भाई ने चेंज चेंज कर लिया है और इतनी शदीद पैरों में दर्द हो रही है ना, लेकिन क्या करें, रोटी खाने की जरूरी है। अब तो टेट भी बांगे मार रहे हैं, कुछ खा ला दो, मेरे पेट में कुछ डाल दो। ये अपनी तीर आनी है भाई साहब, इसको पुट्ठा कर लीजिए, रखो तो खुश रहती है, रोती है। खैर बस निकल रहे जनाब, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आधी फैमिली पहुंच चुकी है तो बस हम भी पहुंचेंगे। ये है कि भाई की बर्थडे भी है, वो भी कुछ सेलिब्रेट करेंगे, दावत खास है तो वो भी साथ साथ खाएंगे। ये जनाब पहुंच गए हैं रोटी पे, डायरेक्ट जेलम से आए ये रोटी खाने। दांत होगी, दांत बंद नहीं तो शॉपिंग से बोले। ये दो आर्टिकल्स निकाले, ये और ये ट्राई करते हैं, देखते कौन सी ये सब कलर तो बहुत बदी है। ये खींचा हुआ क्वालिटी में थोड़ी पतली, लेकिन हम से फोन शर्ट हमने ले ली है, ये कि बस शर्ट डाउन है, लेकिन मॉल की शॉप से बंद हो रही है। अपनी शॉपिंग करने आया था, ये तो फटीके डाल रही है जिम्मी, तू के जूते